आंसुओं पे रखा हुआ। अबे क्या बात है, अबे लड़की दिखाता रहेगा, हमें कब दिखा हुआ। हाँ सर, यहाँ पे जो लड़की बैठी है इसके पीछे, उसके आगे कोई ये भड़वा बैठा है, इसे हटवाओ। तो आज अपने पास क्वेश्चंस हैं कि अगर स्पेस गॉड्स यानी सेलेस्टियल्स और दी प्लैनेट ईटर यानी गैलेक्टस के बीच में फाइट होगा तो कौन जीतेगा, अगर थानोस विद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स और अल्ट्रॉन विद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के बीच में फाइट होगा तो कौन जीतेगा, और क्या अपना तूफान का नेता थॉर बिना अपने लॉर्ड मेरा मतलब कि बिना अपने हथौड़े और कुल्हाड़ी के उड़ सकता है। तो इन सब सवालों का आंसर जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो आगे और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अपने पास पहला सवाल है सेलेस्टियल्स वर्सेस गैलेक्टस। तो यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे मार्वल कॉमिक्स की, क्योंकि अभी तक हमने गैलेक्टस को लाइव एक्शन में नहीं देखा है कि वो कितना पावरफुल होगा। बट अगर बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो वहाँ पर ये दोनों आपस में लड़ चुके हैं। तो एक्चुअली हुआ ये था कि रीड रिचर्ड्स एके द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव, आर यू कॉमेडी मी, तो रीड रिचर्ड्स ने गैलेक्टस को बुलाया था 4 सेलेस्टियल से लड़ने के लिए, और गैलेक्टस अपने नाश्ते में 4 प्लैनेट्स को खा कर आया था। नोट कि गैलेक्टस जितने ज्यादा प्लैनेट्स को कंज्यूम करेगा वो उतना ज्यादा पावरफुल बनते जाएगा। तो बैक टू द पॉइंट, जब गैलेक्टस और 4 सेलेस्टियल्स आपस में फाइट करते हैं तो गैलेक्टस 1 सेलेस्टियल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके मार देता है, जिसको देखने के बाद बाकी तीनों सेलेस्टियल्स के दिमाग का बत्ती जलता है और वो तीनों आपस में फ्यूज होकर एक पावरफुल सेलेस्टियल में बदल जाते हैं, जिसके बाद वो गैलेक्टस के ऊपर अटैक करते हैं और उसको पूरी तरीके से मार देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि गैलेक्टस 2-3 लो टियर सेलेस्टियल्स को 1-on-1 फाइट में टक्कर दे सकता है, बट पावरफुल सेलेस्टियल्स जैसे कि एरिशियम द जज या फिर एग्जिटार को वो नहीं हरा सकता। हाँ, मे बी गैलेक्टस के मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स जैसे कि लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस हाई टियर वाले सेलेस्टियल्स को हरा पाए, बट नॉर्मली सेलेस्टियल्स ज्यादा पावरफुल है गैलेक्टस से। तो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, जो कि है कि क्या थॉर बिना अपने वेपन्स के उड़ सकता है। तो अगर पहले बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU की, तो यहाँ पर थॉर बिना अपने वेपन्स के नहीं उड़ सकता, क्योंकि याद है जब म्योनर स्पेस में घूम रहा था तो थॉर को मैलाकिथ के पास पहुँचने के लिए मेट्रो लेना पड़ा था, और जब थॉर ने अपनी फुल पावर को अनलॉक किया था तो तब भी वो उड़ नहीं सकता है। हाँ, वो अपनी लाइटनिंग का यूज करके बड़े बड़े जंप्स जरूर मार सकता है, बट वो बिना अपने वेपन्स के उड़ नहीं सकता। बट अगर बात करें मार्वल कॉमिक्स की, तो वहाँ पर बहुत बार ये दिखाया गया है कि थॉर बिना अपने हथौड़े के भी उड़ सकता है, और साथ ही बहुत बार ये भी दिखाया गया है कि थॉर बिना अपने हथौड़े के उड़ नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से ये चीज टोटली डिपेंड करता है राइटर के ऊपर कि वो चाहता क्या है। तो आगे बढ़ते अपने तीसरे और आखिरी सवाल की ओर, जो कि है अगर थानोस विद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स और अल्ट्रॉन विद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के बीच में फाइट होगा तो कौन जीतेगा। तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन थानोस के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। ऑल्दो इन दोनों के पास सेम चमकीले कंचे हैं, बट तब भी इन दोनों के पावर लेवल्स के बीच जमीन आसमान का फर्क नजर आता है, और इसके 2-3 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, आइडियोलॉजी यानी इन दोनों की विचारधारा। जहाँ पर थानोस चाहता था कि वह सारे स्टोन्स को कलेक्ट करे और एक चुटकी बचाकर यूनिवर्स के आधे पॉपुलेशन को खत्म कर देगा, वहीं अल्ट्रॉन की विचारधारा ये थी कि वो अमन और शांति कायम करना चाहता था, जिससे कि उसका मतलब था कि पूरे यूनिवर्स से लाइफ के एग्जिस्टेंस को ही इरेज कर देना। तो जाहिर सी बात है, आपको गैलेक्सीज और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स को एक हाई लेवल पर यूज करना पड़ेगा, एज कम्पेयर टू सिर्फ एक यूनिवर्स के आधे पॉपुलेशन को खत्म करने में। पॉइंट नंबर 2 है इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी। जहाँ पर थानोस सिर्फ 2 बार स्नैप करने के बाद अधमरा हो गया था, वहीं अल्ट्रॉन ने तो प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन तब भी उसके बॉडी पर एक खरोच तक नहीं आया था, और मेरे ख्याल से इसकी वजह है अल्ट्रॉन की वाइब्रेनियम वाली बॉडी।
तो मे बी वाइब्रेनियम इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पा रही थी और उसको ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रही थी एज कम्पेयर टू द इन्फिनिटी गॉन्टलेट जिसका हाल कुछ ऐसा हो गया था। और रीजन नंबर 3 है कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को हमने एनिमेशन में देखा था, वहीं थैनोस को हमने लाइव एक्शन में देखा था जिसके बीच जमीन आसमान का फर्क है। तो इस चीज को एक एग्जांपल से समझिए कि अगर आपको एक गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाना है तो उस चीज को आप एनिमेशन में इजीली दिखा सकते हो, वहीं अगर आपको लाइव एक्शन में एक गैलेक्सी को उड़ते हुए दिखाना है तो पूरे मूवी का बजट सिर्फ एक ही शॉट में चला जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो बस भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। बाकी अगर आपको जानना है कि थॉर और हल्क के बीच में फाइट होगा तो कौन जीतेगा, या फिर अगर सुपर गर्ल और सुपर मैन के बीच में फाइट होगा तो कौन जीतेगा, तो वो दोनों वीडियोस आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे, वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।